कहा राजा निमि की कहानी गलत है। निमि वहां से चले गए। कहते हैं कि जैसी जिसकी सोच होती है वैसा असर होता है। मैंने कह दिया कि रूप रस का प्याला पिए जा रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि रूप रस का प्याला गंदी नियत से ही पिया जाए। जिसकी जैसी नियत होती है श्रद्धा, उसको उतनी ही मिलती है। अब तुम उसको उस हिसाब से सोच रहे हो, क्या करो। चलिए आइए, बहुत सुंदर सा टुकड़ा आपके माध्यम से आया है और कहा है बंबई वालों ने क्या? कि जब तू नहीं तो कुछ भी, अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ दिले पे करार का, अफसाना लिख रही हूँ दिले पे करार का, आंखों में रंग भर ले तेरे इंतजार का। रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, क्योंकि माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओगे। आखिर आपको इतना डर किस बात का है? देवा जी, अभी आपका कार्यक्रम गुड़िया, जिस दिन पीटी गई, जिस दिन गुड़िया का त्योहार था, आपका कार्यक्रम बड़ी बहन रिंकी तिवारी जिसे हुआ, और उस दिन उनके साथ शिवानंद लिख रहे थे, तो आप अपनी बात कहते ना। जो वहां शिवानंद ने जवाब दे दिया जाकी रही भावना जैसी, वो यहाँ बोलने की जरूरत क्या थी? ये डरपोक लड़का है। जो सही है उसको मानने की हिम्मत भी रखा करो। अगर किसी का जवाब सही पहुंच जाए तो ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो काम खत्म, उसको माना करो। लड़का जिद्दी बहुत, मगर आइए, क्योंकि आपने रास्ता काटने का प्रयास किया है कि कहीं से बहन जी को जवाब न मिल पाए, तो आइए एक नया प्रयास सुनिए। और निवेदन मैं आप लोगों से कर रही हूँ, कहना क्या बढ़िया बाप, बढ़िया टुकड़ा आपके माध्यम से आया है, मगर मेरी पंक्ति कह रही है क्या, कहा गया है क्या कि निर्गुण सगुण हो करके गलत बात नहीं की। मैंने ये कहा कि आप नई पार्टी के साथ हैं तो थोड़ा सा नया प्रयास करिएगा, इसमें मैंने कोई गलत बात थोड़ी ना की। उसका कारण है कि सबसे पहले मैंने ये गीत सरेनी में गाया था बड़ी बहन क्रांति वाला जी से, और उस दिन भी आदित्य भैया लिख रहे थे, शायद आपको याद नहीं है, यूट्यूब में देखिएगा। कहना है,
और आदित्य भैया जो जवाब आपने लिखा है सचदेवा के साथ, यही बात वही उसमें है। ये भी नोट करिएगा क्योंकि आप ही की कलम है, है ना। अब मेरी पंक्ति सुनिएगा। भैया कह रहे हैं कि रघुनाथ जी को सती, भोलेनाथ को उमा, तो मेरी पंक्ति कह रही है कि निर्गुण सगुण हो करके शोभा धाम आ गए, शोभा धाम आ गए। और दादाजी छवि सिंधु छवि सागर, छवि सिंधु छवि सागर, छवि धाम आ गए, छवि धाम आ गए। हाँ अलग अलग है, अलग अलग है छवि सिंधु और छवि सागर। हिंदी में व्याकरण का बड़ा महत्व होता है, सुनिएगा सचदेवा जी, पहले सुन लो। कहते हैं कि जब हम गाते तो तुम्हारे शिवानंद की आवाज आती, हमसे ज्यादा तो इनकी आवाज आ रही होगी, आप लोग भी सुन रहे हैं, धन्यवाद है। कहना और कैसे आ गए, बाहुबली बलशाली वो पल धाम आ गए, पल धाम आ गए। कैसे आ गए, कैसे सुख कंद सुख मूल वो, सुख कंद सुख मूल वो सुख धाम आ गए, सुख धाम आ गए, सुख धाम आ गए, सुख धाम आ गए। तो दादाजी सभी लोग जानते हैं कि भोलेनाथ भगवान राम को ध्याया करते हैं, तो पंक्ति कह रही है क्योंकि आपने भोलेनाथ की बात की है इसलिए भोलेनाथ छूटेंगे नहीं। कैसे कहा गया है क्या कि जय महेश मन मानस हंसा और करो का हम मुख एक प्रशंसा। वाह बेटे, तो इसको मैं सिद्ध कर रही हूँ दादाजी। मेरी पंक्ति कह रही है कि मन मानस में सुख धाम, मिलाना अपनी लाइनों को, मन मानस में शिव, मन मानस में शिव सुख धाम को निराकार दिख रहे, यानी भगवान भोलेनाथ ध्या रहे हैं, राम दिख नहीं रहे, राम दिख नहीं रहे मगर उनका नाम हमेशा भोलेनाथ ले रहे हैं। तो पंक्ति कह रही है क्या, मानस में शिव सुख धाम को निराकार दिख रहे, मिथिला में परशुराम को साकार दिख रहे। वाह बेटे वाह, धन्यवाद है, शाबाश, धन्यवाद है। जो कीर्तन सुनते हैं उनसे कुछ छुप नहीं सकता है। और ये भी काट देना अगले मंच पर, भोलेनाथ को निराकार दिख रहे हैं राम और परशुराम को साकार दिख रहे हैं राम। विशेषता है जैसे उधर रघुनाथ को सती तो भोलेनाथ को माँ दिख रही है, समझते रही ना। मानस में शिव सुख धाम को निराकार दिख रहे, मिथिला में परशुराम को साकार। स्वरूपा तो मिथिला में परशुराम को साकार दिख रहे। ये आपके बड़े मजबूत टुकड़े का मेरी ओर से जवाब है, और किसी अगले कलाकार के साथ ऐसा ना करना वरना मर जाएगा वो। आइए एक गीत आपने बड़ा सुंदर से दिया है, कौन सा